कोरोना ऑब्सेशन के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। अभी कोरोना के बारे में काफी लोगों को बहुत दहशत बैठी हुई है, बहुत एंग्जाइटी है, वरी है, टेंशन है, और उसके वजह से ऑब्सेशन भी हो रहा है। ऑब्सेशन मतलब बार 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 वही विचार आना। आज सुबह एक व्यक्ति का मुझे फोन आ गया, बॉम्बे का है, और वो बोले कि मेरे गले में पिछले 7-8 दिन से खराशी है, ऐसा लगता है कि थोड़ा चुभ रहा है, और उसके लिए मैं दवा भी ले रहा हूँ, दवा से थोड़ा ठीक भी लग रहा है, मगर जितना चाहिए उतना नहीं लग रहा है, मगर बार बार अभी मुझे ये डर लग रहा है कि ये कोरोना की शुरुआत है। अब उन्होंने डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने उसको तो वैसे ही वापस भेज दिया, बोले कोरोना की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कोरोना आपको है नहीं, ना आपको बुखार है, ना खांसी है, ना कुछ। तभी भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हुआ, कोरोना हो जाएगा, ये कोरोना की शुरुआत है। और कोरोना ऐसे भी प्रेजेंट करता है, इस तरह से भी प्रेजेंट करता है, शायद ये पहली मेरी केस होंगी कि इस तरह से कोरोना प्रेजेंट हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है। डॉक्टर कुछ तो भी गलती कर रहे हैं, डॉक्टर ने ये करना ही चाहिए, टेस्ट करना ही चाहिए कोरोना के लिए। ऐसे उसको बार 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 विचार आते, बोले सुबह से लेकर रात तक ऐसा हो रहा, बोले पिछले 12-13 दिन से मैं परेशान हूँ और अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, काम तो बंद है, लॉकडाउन है, और उसमें भी मुझे ऐसा हो गया कि मैं मेरे बेड से भी नीचे नहीं उतर रहा हूँ। तो उसको पूछा कि भाई ठीक है, फिर अभी क्या करना चाहते हो? बोले मुझे तो लगता है कि बस मेरे को कोरोना हो ही जाएगा डेफिनेटली, ये तो लक्षण पक्के कोरोना के। मतलब उसको कॉन्ट्रे बोला कि नहीं, कोरोना कैसे हो सकता है बताइए। बोले डॉक्टर गलत हो सकते हैं, मगर आपको कोरोना भी है क्या? नहीं, वैसा कोरोना नहीं होगा, मगर डेफिनेटली शुरुआत हो सकती है। मतलब ही वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, नहीं ऐसा पक्का नहीं था उसका, उसका डिल्यूजनल लेवल पे नहीं था, वो आगे पीछे कर रहा था, मगर बार 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 वही विचार उसको कोरोना 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 के विचार आ रहे थे। तो ये ऑब्सेशन है, और मैंने उसको बताया ठीक है, अब ताजा ताजा ही है ये ऑब्सेशन, मगर आपकी पर्सनैलिटी भी ऑब्सेसिव होंगी। मैंने बोला, बोले मतलब क्या होता है? मतलब भाई आपकी पर्सनैलिटी पहले से ऐसी होंगी कि आप एक ही बारे में बहुत बार सोचते होंगे। बोले हाँ। मतलब आपका स्वभाव ऐसा होगा कि सब टिपिकल करो, टिपिकल करना है, मतलब ऐसा करना चाहिए मतलब ऐसे ही करना चाहिए, वैसा करना चाहिए मतलब वैसे ही करना चाहिए, जगह पे बराबर चीज़ें रखनी चाहिए, अपनी चीज़ें जो जगह पे रखना चाहिए वो चीज़ें वहीं जगह पे जाना चाहिए वो रखने के लिए, घर साफ सुथरा होना चाहिए, टाइम की आप पाबंदी काफ़ी होंगी आपकी। बोले आपने कैसे पहचान लिया? मतलब इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी। एखादे चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, एखादे चीज़ के बारे में ज़्यादा इमेजिनरी कुछ ना कुछ सोचते जाना, इमेजेस लाना, तो ये ऑब्सेशन पर्सनैलिटी के लक्षण है, और उनको फिर ऑब्सेशन होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब हो सकता है कि आप ज्यादा साफ सफाई रखते होंगे, वैसे हाथ भी धोते होंगे पहले। मतलब हाँ, बोले अभी तो आपने अच्छा हो गया बता दिया, मेरे हाथ भी धोने का प्रमाण बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अभी बार बार बोलते कि हाथ धोना हाथ धोना हाथ धोना, मुझे लगता है कि कोरोना हाथ को लग गया, और मैं अभी कोरोना से घर से सो जाऊंगा तो मैं बार बार हाथ धोता हूँ, इतना हाथ धो रहा हूँ कि अभी उसके हाथ सफेद हो रहे, हाथ धो धो के सैनिटाइजर लगा रहा है, हाथ धो रहा है, सैनिटाइजर लगाना, हाथ धोना, हाथ सफेद हो गए। तो अभी नई बीमारी ये चालू हो गई उनको, यह कोरोना ऑब्सेशन की। तो मुझे यही बोलना है कि भाई इतना ऑब्सेशन, इतना बार बार सोचने का, डरने का कोई कारण नहीं है। ये तो डर डर के आप जीते जी मर रहे। खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बुखार, ये तीन सूत्र के लक्षण यदि दिखते हैं, तीन सूत्री लक्षण, कोरोना की संभावना हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ये करके। और उसके लिए स्वैब टेस्ट, कोरोना की टेस्ट करना जरूरी है, और टेस्ट यदि पॉजिटिव आती है तो फिर कोरोना है, और कोरोना है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप मरने वाले हैं। कोरोना है तो ठीक है, उसका इलाज कर सकते हैं, और कोरोना का इलाज नहीं है, मगर जो भी प्रिवेंशन, जो भी उपलब्ध इलाज आज है, आज के दिन वो डॉक्टर तो इलाज कर ही रहे, और वो इलाज करेंगे। 100 में से 2 से 4 लोग मर जाते हैं, मतलब 2 से 4% लोग मर जाते हैं। अभी जो आंकड़े आए हुए हैं उसमें कहीं जगह 4% डेथ रेट है, 4% है, कहीं जगह 2% ही है। और वो भी कौन से लोग मरते हैं कि जो प्रौढ़ नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज हुआ है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, मतलब कैंसर है, ऐसे लोग ज़्यादा ससेप्टिबल है और मरते हैं। तो यदि आपको बाकी कुछ भी नहीं तो डरने की जरूरत नहीं। जब मैंने उसको ऐसा काउंसिलिंग किया, उससे कहा, उसके बाद में बातचीत किया, बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मैं 2-3 बार आपसे और बात करना चाहूँगा। मैं बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आपका वैसा भी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है, आप हिप्नोथेरेपी ले लेना। और हिप्नोथेरेपी के लिए हमने सेशन पक्के कर लिए, अभी उसको मैं हिप्नोथेरेपी दूंगा, और हिप्नोथेरेपी का इलाज स्ट्रेट सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है, जहां उसके बार बार विचार आते हैं।
तो उसने वो भी कबूल कर लिया, अभी हम चालू करेंगे हिप्नोथेरेपी और उससे वो ठीक हो जाएगा। अभी मैंने उसको बताया कि मैं अभी आपको एंटी ऑब्सेसिव दवाई देता हूँ जिससे आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। बोले थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।